फ्रेंड्स, मैं कोमल आपका कोमल्स किचन में स्वागत करती हूँ। कोमल्स किचन में बनने वाले हैं व्रत के कटलेट। व्रत में तो बहुत चीज़ें खाने का मन करता है, ऐसे लगता है कुछ भी मिल जाए और चट कर जाए, लेकिन उपवास रखने की वजह से कई चीज़ें हमें स्किप कर लेते हैं। तो इस व्रत में आपको कोई भी चीज़ स्किप करने की ज़रूरत नहीं। आज हम व्रत के सामानों से अलग अलग चीज़ें बना के उसका मज़ा ले सकते हैं। हमेशा साबूदाने के बड़े, कटलेट, ये सब खाते हैं। आज हम बनाने वाले हैं समा के चावल से कटलेट, वो भी हेल्दी भी और टेस्टी भी, जिसके खाने का मज़ा भी दुगना, और वो झटपट बनने वाले। मात्र थोड़े से समा चावल से ढेर सारे कटलेट बन के तैयार हो जाएंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और बहुत अच्छा लगे तो सबके साथ शेयर करें। यहाँ पे देखिए, मैंने लिया है आधा कप, मात्र आधा कप समा के चावल। जितने हम समा के चावल लेंगे उतने ही हम साबूदाने लेंगे, और ना हमें धोना है न भिगोने का टेंशन। तो पाँच मिनट में कटलेट बन के तैयार हो जाएंगे। हमें एक पैन लिया है, पैन को मैंने गैस पे रखा है। समा के चावल और साबूदाने को हमें रोस्ट करना है, जब तक ये हल्के से रोस्ट ना हो जाते हैं। रोस्ट करने से हमें पाउडर बनाने में बहुत आसानी होती है, इसलिए हम रोस्ट करके ही इसे पाउडर बनाएंगे, और इसका हमारा समय भी बचता है। इसे पकाने के भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप चाहें तो ऐसे भी इसे पाउडर बना सकते हैं, लेकिन जब आप भून के बनाएंगे तो इसकी सौंधी सौंधी सी खुशबू भी आएगी और इसका स्वाद भी दुगना कर देगा। और आप देखिए, इसे हल्के हाथों से हमें बस चलाते जाना है, जब तक इसका कलर चेंज नहीं होना है। इसका कलर सफ़ेद ही रहे, लेकिन हम इसे भून भी जाना है, यानी मीडियम फ्लेम पे इसे सेकना है। और आप देखिए, इसे मात्र से 4 से 5 मिनट तक हमने इसे कंटिन्यू चलाते हुए भून लिया है। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है, और अब हमें फ्लेम को ऑफ करके इसे थोड़ा सा हमें ठंडा करने के लिए रख देना है। आप चाहें तो इसे पहले से भी भून के एक कंटेनर में, टाइट कंटेनर डब्बे में इसे पैक करके रख सकते हैं। जब भी बनाना हो, कप के मेजरमेंट से लिया और फटाफट से बनाया। अब मैंने इसे मिक्सी के जार में डाल के इसे फाइन सा पाउडर बना देना है। फाइन सा पाउडर बना, दोनों को साथ में पीसने से एक फ़ायदा होता है, क्योंकि साबूदाने की साइज़ बड़ी होती है और समा चावल छोटे होते हैं। दोनों मिक्स होकर झट से इसे पाउडर बना देते हैं। और आप देखिए, इसे मिक्सी में जार के मैंने इसे चलाया, मात्र 2-3 बार बंद चालू करके चलाया, और इसका फाइन सा हमारा पाउडर बन के तैयार हो गया है। अब हमें इसे बाउल या किसी भी बर्तन में इसे खाली कर देना है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी, क्योंकि इसे हम थोड़ी देर के लिए भिगो के रखेंगे ताकि अच्छे से फूल जाए और इसकी डबल क्वांटिटी पे हो जाए, और अंदर से खाने में काफ़ी सॉफ्ट भी हो जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे मिक्स करना है, एक स्पैचुला या चम्मच के सहारे से। उतना ही पानी डालना है जितना पानी ये सोख सकता है, हमें एक्स्ट्रा पानी को नहीं डालना है। तो आप देखिए, मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालती जा रही हूँ। इसे लिक्विड सा डो नहीं बनाना है, थिक सा हमें डो चाहिए, ताकि जब हम इस रेस्ट करने के लिए रखें तो जो एक्स्ट्रा पानी हो ये आटा सोख ले। और आप देखिए, मात्र मैंने जितना चावल, समा का चावल लिया था, उतना ही इसमें पानी सोखा है। और आपके चावल जितना पानी सोखे आप उतना डालिएगा, क्योंकि हम रोस्टेज के ऊपर रोस्ट करते हैं, उस हिसाब से इसमें पानी सोखता है। कभी हमारा कम रोस्ट होता है, कभी ज़्यादा। तो ये नहीं सोचिएगा कि मैंने एक कप पानी, आधा कप पानी डाला तो आप भी आधा कप। आप इसे कंटिन्यू चलाते हुए देखिएगा आपके चावल में कितना पानी उठ रहा है। और आप देखिए, मैंने डो को रेस्ट करने के लिए रख दिया है इसे मात्र 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट हो गए हैं, डो हमारा अच्छे से सोख लिया है पूरे पानी को। और अब लग रहा नहीं रहा है कि हमारे समा के चावल और साबूदाने, ऐसे लग रहा है कि आलू का बना हुआ डो है। और आप देखिए, सारे पानी को इसने एडजस्ट कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे सारी ड्राई चीज़ें, जैसे धनिया। आपके पास हरी धनिया, यदि आप नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बारीक कटी हुई हरी मिर्च, जो आप चाहे पसंद करते हैं उपवास में, उन चीज़ों को हमें इसमें डाल देना है। 2 कप बराबर आलू मैश किए हुए डालें, और क्वांटिटी में देखेंगे तो मैंने इसमें 4 आलू डाले हैं। और ब्लैक पेपर और नमक को स्वाद अनुसार डालना है। नमक, यदि आप उपवास वाला नमक खाते हैं तो उपवास वाला डालिए, और नॉर्मल नमक डालना है तो घर पर जो हम डेली यूज़ करते हैं उस नमक को डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को हाथ से मिक्स कर देना है, और एक अच्छा सा डो के रूप में इसे तैयार कर देना है। और आप देखिए, सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो गई हैं, तो कितना कलरफुल सा हमारा डो बन गया, उतने ही कलरफुल हमारे कटलेट बनेंगे, खाने में उतने ही ज़्यादा स्वादिष्ट। देखिए, हमारा डो बन के तैयार हो गया।
अब हम इस डो को सेट करने के लिए रखेंगे। आप थाली में, कटोरी में, जो भी आपके पास बर्तन हो उसमें सेट कर सकते हैं। मेरे पास ये छोटा सा बर्तन है, जिस बर्तन में हमें सेट करना है उसमें हल्का सा हमें घी से ग्रीस करना है। आप तेल से भी कर सकते हैं, जो भी आप तेल घी पास में खाते हैं उससे हमें ग्रीस करके इसे डो को अच्छे से सेट करना है। जितने अच्छे से ये सेट होगा उतने ही उसके अच्छे शेप कट के तैयार होगा। आप चाहे तो हाथ से तुरंत भी कोई भी शेप बना के इसे डीप फ्राई कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे सेलो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत सुंदर शेप में बनाना है इसलिए एक सुंदर से मोल्ड में मैंने इसे सेट करने के लिए रखा है। और मैं आपको दिखा रही हूँ इसे मैं थाली में भी सेट करके इसे पीस काट के बना सकते हैं, और चाहे तो इसे हाथों के सहारे से गोल गोल भी तैयार करके तुरंत डीप फ्राई कर सकते हैं। और आप देखिए मैंने इसे थाली में भी सेट कर लिया और मोल्ड में भी, आप देखिए कितनी आसानी से ये सेट होके तैयार हो रहा है। इसे 5 मिनट के लिए फ्रिजर में रख देना है ताकि जल्दी से सेट हो जाए। जब तक हमारा ये सेट होगा तब तक हमारा तेल या घी जिसमें हमें फ्राई करना है वो गर्म। अब चाहें तो इसे ना भी सेट करें, तुरंत फ्राई भी कर सकते हैं और बाहर भी इसे 5 मिनट के लिए जब तक हम रखेंगे हमारा तेल गर्म हो जाएगा। जो हमारी थाली सेट हो गई मैं आपको काट के दिखा रही हूँ कि बहुत ही आसानी से इसके शेप बन के तैयार हो जाते हैं। मैंने इसे 9 हिस्सों में डिवाइड किया। आप छोटे छोटे पीस तैयार करना चाहें या बड़े करना चाहें उस उतने ही हिस्सों में आप डिवाइड कर दीजिए। कितनी सुंदर से हमारे कटलेट दिख रहे हैं ना, इस तरह से आप भी यदि अपने पास में कटलेट बना के खाएंगे तो आप भी इस कटलेट के दीवाने हो जाएंगे। और इसे चाहें तो एक डब्बे में स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं, जब चाहे इसे फ्राई करके खा सकते हैं। मैंने बहुत सारे बनाए हैं कि जब भी मुझे भूख लगेगी उपवास में हम इसे फ्राई करके खा लेंगे। आपको मैं दिखा रही हूँ कि किस तरह से हमें डब्बे में स्टोर करके रखना है। जिस डब्बे में रखेंगे उसका ढक्कन बहुत टाइट होना चाहिए ताकि इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ी रहे। अब मैं दूसरे वाले मोल्ड से आपको शेप काट के दिखा रही हूँ। इसका हम जो शेप काटेंगे पिज़्ज़ा की तरह काटेंगे। आप चाहें तो ट्राइंगल, स्क्वायर, जिस भी शेप में आपको पसंद है उसे काट सकते हैं और बहुत ही आसानी से ये शेप कट जाता है। और आप देखिए कितने सुंदर से हमारे 8 इतने थोड़े से डो से 8 पीस बन के तैयार हो गए हैं। चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए मैंने एक पैन रखा है, आप फ्लैट पैन, कढ़ाई, जो भी चाहें उसे रख सकते हैं। उसमें हमें आसान तेल गरम हो, ज़्यादा तेल गरम करने से तुरंत फ्राई हो जाएंगे तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। जब भी कुछ डीप फ्राई चीज़ बनाएं तो मीडियम फ्लेम पे, मीडियम आंच पे हमें तेल गरम करना है। और आप देखिए इसे ज़्यादा तेज तेल नहीं गरम हुआ है और हमें इसे धीरे धीरे इसे एक एक करके डाल देना है और इसे उलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। इसे मात्र 5 से 7 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगता है फ्राई होने में, और हरी चटनी या दही के साथ इसे खा के इंजॉय कर सकते हैं। और ये देखिए इसे उलटते पलटते हुए हमने इसे गोल्डन ब्राउन बन के तैयार किया। इसी तरह सारे कटलेट को हमें फ्राई करके तैयार कर देना है। मैंने इसे हरी चटनी और दही के साथ सर्व किया। आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं। इस तरह के कटलेट अपने घर पे ट्राई कीजिए, अपने एक्सपीरियंस कोमल के साथ शेयर कीजिए। कोमल्स किचन को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जल्द से जल्द नए वीडियो आप तक हम पहुंचा सकें।